बाद वीएचपी की रैलियों पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। हरियाणा दिल्ली यूपी सरकार को नोटिस। नू में हुई हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद आज दिल्ली में जगह जगह विरोध प्रदर्शन और रैली निकाल रहा है। इन रैलियों पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रगति संधा और आप देख रहे हैं न्यूजी बर्ड, स्पॉन्सर्ड बाय वी रिफाइन एंटरटेनमेंट अनगोनाइज फ्लैंसिंग प्लेटफॉर्म। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने विश्व हिंदू परिषद की रैलियों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि हरियाणा के नू में हुई हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद आज दिल्ली में जगह जगह विरोध प्रदर्शन और रैली निकाल रहा है। इन रैलियों पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट अब 4 अगस्त को इस मामले पर फिर से सुनवाई करेगा। वरिष्ठ वकील CU सिंह ने याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल दिल्ली में 23 जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। याचिका में इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ बयानबाजी या कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने CCTV कैमरों से विरोध प्रदर्शन की निगरानी करने और वीडियोग्राफी के निर्देश दिए और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आदेश सभी राज्यों पर लागू होगा। बता दें कि मंगलवार को हरियाणा के नू में एक धार्मिक यात्रा के दौरान दो समुदाय के बीच हिंसा हो गई थी। हिंसा में 6 लोगों की जान गई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। नू, मेवात, गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में अभी भी तनाव बना हुआ है। धार्मिक यात्रा पर हुए हमले के विरोध में 2 अगस्त को विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में आज धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। विहिप ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा और घायलों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की मांग की है। विहिप की मांग है कि जिन लोगों की गाड़ियां और बसें नष्ट की गई है उन्हें भी पूरी क्षतिपूर्ति दी जाए। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ी बर्ड। हर तरीके की खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा न्यूज़ी बर्ड यूट्यूब चैनल और डाउनलोड करें न्यूज़ी बर्ड ऐप।